सो आई गेस गुड इवनिंग, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त रोहन, और आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे गेसिक्स वंडर पे। तो आज हम लेने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो राइडिंग की नजरिए से देखी जाती है, जो है C30 बाय ब्लू आर्मर। ये है इंटरकॉम, और अगर आपका बजट बहुत टाइट है, आपके पास 45,000 रुपीज नहीं है एक सेना के लिए, जो सेना का इंटरकॉम आता है, तो आप सही जगह पे आए हो। आपके मैं आज बहुत पैसे बचाने वाला है, और उसका जो प्राइस है वो आप सुन के शॉक्ड हो जाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि ये इंटरकॉम आपको लेना है, तो आप ये पूरा वीडियो बने रहना। प्रसाद हमारा वेट कर रहा है गुंदौली स्टेशन के, आप वहां से जाएंगे, और आज का जो प्रोडक्ट वो हम लेने वाले टाइगर मोटो से। तो चलो चलते जल्दी से, और अगर हाँ भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अभी हम आए हैं गुंदौली, जहाँ पे हम हमेशा मिलते हैं मैं और यहाँ पे आए हमारे पुष्कर। ये हम लोग का ऑलवेज इवनिंग का मिलने का प्लेस है। यस, ये हम लोग का ऑलवेज इवनिंग का मिलने का प्लेस है, गो टू प्लेस बोल सकते हैं। और अभी हम लोग जाने वाले डायरेक्टली टाइगर मोटर शॉप। तो मैं बीच का कुछ शूट नहीं करने वाला, बिकॉज बारिश का मौसम हो गया है, और बाद में ऊपर से निकालना नहीं है। तो अभी जो भी आप मिलोगे डायरेक्टली आपको टाइगर मोटर शॉप पे हम मिलेंगे, और देखते हैं अभी जो भी अगर कुछ बीच में रहेगा तो सिनेमैटिक कुछ एंजॉय करो। फाइनली हम लोग आ गए अभी टाइगर मोटो, और अभी टाइम हो रहा है 8:15, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे टाइगर मोटो है अपने प्रसाद भाई अपनी बाइक। और चलो अभी वैसे कल्पेश भाई से तो अंदर जाके पूछ लिया था, मैंने पहले कॉल पे पूछ लिया था कि भाई C30 है वो अपना है कि नहीं, और लकीली है। और टाइगर सर अभी है कि नहीं पता नहीं, और ये रहे अपने आज ये नहीं है क्या टाइगर भाई? टाइगर ये है पूरा टाइगर मोटो, और आज हम आवाज़ से C30 लेके ही निकलने वाले। बहुत दिनों से हम लोग वेट किए हैं मैंने और प्रसाद ने C30 के लिए। हम लोग का ऐसा होगा ना कि गैराज हम लोग का फर्स्ट होम है, तो ये सेकंड होम हो गया। ये सेकंड होम हो गया, बहुत सारे एक्सेसरी जहाँ से लिए हैं, तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये जो एड्रेस और उसका लिंक दे दूंगा। और आपको अगर कुछ बाय करना रहेगा तो आप बिंदास बाय कर सकते हैं। तो अभी एक काम करते हैं, देखते हैं C30 और जल्दी आगे की बातें शुरू करते हैं। तो ये अपने कल्पेश भाई, हेलो, और चलो आपके हाथ से अनबॉक्सिंग शुरू की जाए। ये है अपना रिवाइज C30 ब्लू आर्मर का, और वारंटी कार्ड और बाकी सब, और ये सब आपको मिलेगा बॉक्स के अंदर। तो इसके बारे में डिटेल हम लोग अभी आगे देने वाले हैं, तो आप बस अभी देख लो कि क्या क्या निकल रहा है पहले अंदर से। माउंटिंग क्लैंप, ओके, दो माउंटिंग क्लैंप, ये दो माउंटिंग क्लैंप, चार्जिंग केबल, ओके, स्पेसर्स, ओके, वेलक्रो वाले ये, और ये बूम माइक, ओके, डिवाइस। अच्छा, तो ये सब आपको इंक्लूडेड मिलेगा। अभी थोड़ी देर बाद आपको इंस्टॉलेशन कैसे करना है और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, तो वो सब कुछ हम लोग अभी थोड़े टाइम बाद आपको बताएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले एज यूजल आपको पूरा का पूरा अंदर का बैडिंग निकालना पड़ेगा, उसके अंदर स्पेसेस दिया है, इसको फिट कहाँ पे कर सकते हैं आप। और कल्पेश भाई अभी वही करने जा रहे हैं, एक्चुअली मुझे भी पता नहीं इंस्टॉलेशन कैसे करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अगर आप यहाँ पे आते हो आपको सबसे बड़ा हेडेक कम हो जाएगा, ताकि अगर आप घर पे अगर ऑर्डर करोगे ऑनलाइन तो आपको खुद से लगाना पड़ेगा, तो आपको पता नहीं है कि कैसा लगाना है, तो यहाँ पे आ जाओ। कल्पेश करके दोगे ना सबको? नहीं नहीं, रिश्वत नहीं लेते, पर अगर आपकी इच्छा हो तो आप कुछ दे सकते हो। और यार बहुत मतलब बोलते ना एकदम कॉम्पैक्ट छोटा, पाम पे देखो कितना सा है, मतलब मेरा पाम भी बड़ा है यार, मैं 6 फीट हूँ। मेरे पाम पे रख दे, मेरा भी उतना ही है, पर नॉर्मली देख सकते हो बहुत ही छोटा है, छोटा है, बहुत ही छोटा है, इतना सा है बस ये भाई। स्पीकर पॉकेट्स है, एस एम के हेलमेट्स में यूजुअली ऐसे बड़े स्पीकर पॉकेट्स रहते हैं, एस एम के एग्जॉर में आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, तो अगर हेलमेट ले रहे हो ना आप, तो सोच के लेना, उसको पूछना कि अंदर स्पीकर पॉकेट्स है कि नहीं। एस एम के में रहते हैं, एग्जॉर में भी रहते हैं, एमटी में भी रहते हैं, अभी बहुत लोग देना शुरू कर दिए वैसे भी। और आप देख सकते हो कैसे, देखो यहाँ पे स्पीकर पॉकेट्स, तो इसको आप निकाल के यहाँ पे इंस्टॉल होगा वो, देखो ऐसे इतना इनफ स्पेस नहीं रहेगा ना रोहन, तो ये स्पेसर आते हैं, तो ये स्पेसर की मदद से आप कर सकते हो। ओके, और स्पेसर आते हैं, हाँ नहीं रहेगा तो स्पेसर्स भी आते हैं, तो उसके मदद से भी
आप कर सकते हो, पर अभी हमको स्पेसेस की जरूरत नहीं है ना। नहीं नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा। तो जब तक कल्पेश भाई अपना इंस्टॉल कर रहे हैं, अंदर का काम कर रहे जुगाड़, तब तक हम लोग आपको बता देते कि इसमें क्या क्या आने वाला है। तो ये दो स्पेसेस हैं, अगर आपके पास पॉकेट नहीं रहेगा वो लगाने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, तो आप ये स्पेसेस लगा सकते हो। चार्जिंग केबल, ये एक माउंट आता है, ये दो माउंट हो गए, और यहाँ पे अपना था डिवाइस, और ये वाला और ये एल एन की है जो आपको हेल्प करेगा कनेक्ट करने के लिए। और ये हो गए दो स्पीकर्स, ये हो गया उसका माइक, ये सब इंक्लूडेड आता है। और आपको मिलता है वारंटी कार्ड होगा आप यहाँ पे, तो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड। तो इन शॉर्ट ये बहुत सही है, और ये वारंटी कार्ड है। कितने महीने का वारंटी वैसे, कितने साल? एक साल। तो एक साल की वारंटी के साथ आता है, कुछ भी अगर दिक्कत रहेगा तो आपको ब्लू आर्मर की तरफ से कुछ ना कुछ जुगाड़ मिल ही जाएगा। और वैसे इसमें जो स्पीकर्स लगे हैं वो हैं JBL के स्पीकर्स, तो साउंड क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाले, बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी आने वाली है। हम लोग वैसे आपको टेस्ट करके दिखाने वाले कि इसका साउंड कितना लाउड है और कितना क्लियर आएगा, तो वो तो आगे जब लगाएंगे उसके बाद टेस्ट करेंगे तो पता चल ही जाएगा। बट बता रहा हूँ कि इसमें JBL के स्पीकर आते हैं, और ऐसा कोई इंटरकॉम नहीं है जो ये प्राइस पॉइंट में आपको JBL के स्पीकर देगा, तो आप समझ सकते हो इसकी क्वालिटी पर इन लोगों ने कितना ध्यान दिया। इतना ही था बस, ये तो बहुत सिंपल है। अगर आप हम लोग का वीडियो देख के कुछ भी कर सकते हो, माओ इतना कुछ इसमें नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे को लगा था, तेरे को भी लगा था ना रॉकेट साइंस रहेगा? मेरे को भी लगा था। ये माइक इंस्टॉल किया जा रहा है वही साइड, त्या साइडला करतो का ज्या साइडला माझा माइक? नाही नाही, तुझा माइक इथे येणार, इंटरकॉमचा माइक इथे येणार। अरे ऑपोजिट साइडला आहे ना? नाही, एकदम आगे आहे का? मतलब अच्छा आगे आहे, दोनों माइक एकी साइड आहे वाला का? ये साइड मी काय केलं म्हणजे तुझ्या टेपला चिटकवून टाकली डायरेक्ट। हा मग चांगला केलं, तुझा माइक इथे इथे लटकत होता। हा कसा ठेवतोस तू इथे असतो काय? हा माझा वरना येतो, इथून कुठून येतो असा येतो येतो ना? हा ठीक आहे, येऊ दे। ठीक है, खाली है। ओके, तो ये आ गया मेरा माइक। ये देखिए जो है ना, ये क्लिप हमेशा ओपन रखिए, इसका माउथ ओपन रखिए, इसको फिर अटैच करने का यहाँ से, और फिर ये बंद करने का। निकालने के समय भी सेम, इसको कैप ओपन करके हल्के साथ उसे। ओके, अगर वो कैप क्लोज रहेगा तो निकलेगा नहीं कैसे भी करके? हाँ, वो लॉक दिया है ना उसको। हाँ, क्योंकि ये देखो ना, ये स्लॉट दिया है ना। हाँ, अच्छा ओके, खाचे में अटक जाता है, देसी भाषा में बोलेगा तो। अभी वो निकलने वाला नहीं है, अभी नहीं निकला। ओके, तो अभी इंस्टॉलेशन वाला पार्ट जो है वो खत्म हो गया, अभी हमको कनेक्ट करना है फोन से। तो कल्पेश भाई बताएंगे कैसे कनेक्ट करना है फोन से। कल्पेश भाई बता दो एक बार। ठीक है, इंस्टॉलेशन तो हो गया है, अभी पावर ऑन करना है, सेंटर का जो बटन है लॉन्ग प्रेस करना है आपको। ओके, डिवाइस बोलेगा बैटरी 40%। सो अभी अपने को पेयरिंग करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट थिंग ये जो लेफ्ट और राइट साइड का जो बटन है, जो साइड के बटन है, वो दोनों को साथ में सिंगल क्लिक करना है, तो वो ब्लूटूथ पेयरिंग मोड में चला जाएगा। साथ में ब्लूटूथ ऑन है रोल? यस, ऑन है। करेक्ट, ओके, उसने बोला पेयरिंग मोड। हाँ, तो वो पेयरिंग ब्लूटूथ पेयरिंग मोड पे गया। अभी अपने को ये मॉडल बताएगा, C30KXMMWY, तो तेरे डिवाइस में आएगा। अच्छा, ये आ गया C30, जैसे यहाँ पे आया। हाँ, C30KXMMW5। स्क्रिबल कर देना। ओके, तो फिर ये हो गया, और ये हो गया कनेक्टेड। तो ये कनेक्टेड होने का कनेक्टेड हो गया। तो भाई अंदर का साउंड बता मेरे को, पहला कैसा है अंदर? पहले मेरा तो फेवरेट सॉन्ग बज रहा है, इसका फेवरेट सॉन्ग बज रहा है, ये देखो। और अभी बताओ मेरे को साउंड कैसा था अंदर? तो इसका कैसा ना, साउंड बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम इट, मतलब इतना भी लाउड नहीं कि मुझे बाहर का, मतलब कुछ अगर हॉर्न वॉर्न बजेगा तो नहीं सुनाई देगा, उतना भी ऐसा नहीं है। बट जैसा चाहिए एकदम, मतलब कम वॉल्यूम वाला भी आवाज़ नहीं है।
प्रॉपर मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर जैसा बजना चाहिए वैसा हर एक बीट हर एक बेस प्रॉपर आता है। जरा बाहेर रे काय बोलते समावून बोल जरा मी जरा बाहेर असं काय बोलते जरा लाऊड स्पीकर वर फोन बोल हा माहित आहे माका कळला आपण जाऊया लवकर लवकरच जाऊया केदारनाथला इसका वॉल्यूम इतना मस्त है ना भाई साहब मेरे को आ रहा है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा लिटरली बहुत सही है और कॉम्पैक्ट हो गया अभी पूरा ऐसा लग रहा है ना कि मेरे पूरे मतलब हेलमेट के अंदर स्पीकर लगा दिया किसी ने बहुत सही चीज़ है भाई मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इसको मिस मत करना क्योंकि इसके प्राइस हाई होने के पहले ले लो ये बहुत मचा रहा है मार्केट और इसमें एक अच्छी चीज़ ऐसा है कि अगर आप कुछ भी अगर आपको नहीं समझ रहा है उसको इंस्टॉल कैसे करना है तो हर चीज़ के ऊपर ना बारकोड दिया जैसे यहाँ पर दिया है और इसके अंदर भी हर चीज़ के नीचे बारकोड दिया गया है तो उसको आप लाइक देख के आप इंस्टॉल कैसे करना है उसके ऊपर वो गाइड करेगा आपको कुछ मिल जाएगा टिप्स उसके अंदर कैसे करना है तो वो भी आप देख के खुद से कर सकते हो तो बहुत इजी है वैसे भी अभी देखते हैं कि ये अभी ऐप डाउनलोड कर रहा है तो उसके अंदर क्या क्या है तो ये ब्लू आर्मर कॉम्स करके ये ऐप है वो डाउनलोड करना है आपको राइड लिंक करके कुछ ऐप नहीं है हम लोग भी सोच ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए बट आपको ये वाला करना है इसमें फीचर्स है राइड ग्रिड एंड राइड लिंक तो ये ऐप डाउनलोड करो उसके बाद आप बताते हैं हम आपको कि क्या आपको करना है अंदर सेटिंग्स हो गया डाउनलोड पैर हो गया हेलो ओके तो इसमें क्या है इसमें ऑटो है इसके बाद बैटरी परसेंटेज आपको बता रहा है यहाँ पे उसके बाद राइड ग्रिड अगर ऑन करोगे तो आपको वो कनेक्टिविटी हो जाएगी आपका ग्रुप बना सकते हो आप उसके बाद फ़ोन कॉल्स वॉइस नोट म्यूज़िक सीरी वाह बहुत कुछ फीचर्स है इसमें बटन भी डेडिकेट कर सकते हो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है बटन डेडिकेट कर सकते क्या इसमें में बोलो होता हाँ इट्स ओके याद क्या है राइड लिंक इंटरकॉम हाँ तो इंटरकॉम है ओके पावर ऑन करेगा इंटरकॉम रहेगा ना घर पे जाके इसके साथ कनेक्ट कर ओके ये पावर ऑन करेगा ना तो तेरा इंटरकॉम पेरिंग पेडल तू ऑन सर्च करेगा तो इसमें दीजिए आपको जाना एक बार कनेक्ट किया तो बाद में हमेशा करो तू आईफोन वाला है ना हाँ। तू सीरी भी यूज कर सकता है हाँ सीरी है ना यहाँ पे कैसे इसको दबा हाँ करना इसको क्यों दबाना है सीरी है सीरी कॉल प्रसाद शेट्टी तो देखा तो ये भी एक अच्छा फीचर है आप सीरी अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हो तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो विदाउट यूजिंग योर फ़ोन वो भी अंदर से ही है ना फ्री हैंड फ्री तो अगर आपको ऑन द राइड ऑन द गो अगर आपको कॉल करना है किसी को तो वो भी आप कर सकते हो आपको बस अंदर कहना है सीरी को जो भी है उसके बाद ये कॉल लगा देगा तो एक नंबर चीज़ अभी आप सर जी आप कुछ इसके बारे में बताओ तो मतलब इसमें क्या क्या खासियत है क्यों हमें ये लेना है और क्या बेटर है इसके अंदर थैंक यू सो मच रोहन फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लू आर्मर 630 इसके लिए लेना है क्योंकि बजट फ्रेंडली है ऑब्वियसली हम जैसे अपकमिंग राइडर्स के लिए 10,000 के रेंज में है 10,999 के रेंज में और बेस्ट पार्ट वाटर प्रूफ है ऑल वेदर है जिसमें कि बारिश में अपने को कुछ हैडी वगैरह लगा के करना है और JBL का स्पीकर है जिससे साउंड क्लियरिटी अच्छा है म्यूजिक अच्छा है वाइल इंटरकॉम पे अगर आप हो तो कनेक्टिविटी में वॉइस एकदम अच्छी क्लियर वॉइस आती है और अभी जैसे रोहन ने चेक किया सीरी के साथ सीरी बहुत कनेक्टिविटी अच्छी है मतलब सीरी भी बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रहा है अभी म्यूजिक भी सुना वो भी उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा और मेरे से बेटर रोहन और जैसे ही अभी ये डिवाइस यूज़ करेगा ना तो वो और बताते ही जाएगा ब्लॉग और कितना राइडर्स कनेक्ट कर सकते हैं एट अ टाइम हम 20 राइडर्स कनेक्ट होते हैं मैश में हाँ इसमें मैश टेक्नोलॉजी है गाइस मैश टेक्नोलॉजी है और उसके बाद सबसे मेन थिंग इसका जैसे कहा था चार्जर है हाँ सी टाइप चार्जर है इसमें अंदर दिया है तो 1 ईयर वारंटी है बेस्ट पार्ट 1 ईयर वारंटी है अच्छा और अगर हम लोग डिसकनेक्ट हो जाते हैं समझो हम लोग अगर राइड कोई बाहर गया तो ऑटो कनेक्ट हो जाते हैं सबसे बेस्ट थिंग और ऐसा ही नहीं कि अगर आप मैच में हो अगर दूसरा कोई राइडिंग ग्रुप है जिनके पास सिंथेटिक लगा हुआ है अपने मैच में डाला तो वो भी ये डिवाइस उनको अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हैं और किलोमीटर कितना इसका रेंज 1 किलोमीटर तो आप देख सकते हो कि ये तो मैंने बहुत
थोड़े थोड़े आपको बताया इसके बारे में, पर बहुत कुछ अच्छा अच्छा मैं बताऊंगा आगे ऐसे ऐसे इसको यूज़ करते जाऊंगा। तो जैसे कि कहा कि 20 राइडर्स एट अ टाइम कनेक्ट कर सकते हैं, 1 किलोमीटर का रेंज है, और इसका बैटरी बैकअप सबसे बेस्ट सर्विस भाई, इसका बैटरी बैकअप कितना है? 16 आवर्स। ओके, तो स्टैंड बाय ज़्यादा रहेगा, बट अगर आप यूज़ करते हो 16 आवर्स मतलब एक दिन निकाल देगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप गाने सुनते सुनते अच्छे से जा सकते हो, आप अकेले जा रहे हो तो भी आपको दिक्कत नहीं है, आप कॉल कर सकते हो, आपको रुकने की जरूरत नहीं है। सबसे मेन थी हम लोग ने बहुत कुछ फेस किया, क्या बताया प्रसाद, हम लोग जब लाइन लगाते थे अगर हम लोग को मतलब बताना पड़ता था भाई आगे जाके रुकना रावे पे, या फिर हमको बताना पड़ता था साइन से कि भाई आगे गाड़ी है या फिर कुछ खतरा रहेगा, तो हम लोग को बताने नहीं। वो सबसे बेस्ट पार्ट है, मतलब समझो ना कि अगर ये आगे राइड कर रहा है, मेरे मतलब मेरे पीछे से गाड़ी एक पास जा रही है या फिर कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है, और ये फिर आगे पैचेस है, तो ये कनेक्ट करके फटाक से बोल सकते हैं, ऑन द गो कॉल ले सकते हैं हम लोग, हम लोग को रुकने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम भी बच जाएगा, गाने सुनते जा सकते, बहुत बहुत फनी एकदम कंटेंट बना सकते हैं, हम लोग बात करते हैं वो आपको सुनाया जाएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं हेलमेट के अंदर। और जो प्राइस रेंज में ये आपको मिल रहा है, जैसे कि कहा कि 11,000 में आपको मिल रहा है, 10,999 में मिल रहा है आपको, मेरे को नहीं लगता बिकॉज इसमें जो भी फंक्शंस है वो सेना के टक्कर के फंक्शंस है, हालांकि इसमें खाली आपको नहीं मिलता है वो एक कैमरा जो सेना में मिलता है, पर उसके लिए आप कितना पे कर रहे हो, 45,000-50,000, तो वो बहुत हो जाता है अमाउंट, और ये चीज़ हमारे लिए तो भाई बहुत ही अफोर्डेबल है, भाई GoPro आ जाएगा अगर हमको लेना ही है तो बात सही है। अगर आप लेना चाहते हो तो आप कहाँ पे आ सकते हो, आप आ सकते हो टाइगर मोटो पे, आप देख सकते हो मेरे पीछे टाइगर मोटो, और आपको बेस्ट डील कल्पेश भाई, अगर हम कोई मेरे रेफरेंस आया तो कुछ कम करके मिलेगा ना? तो कल्पेश भाई ने कहा है आपको अगर डील ग्रैब करनी है तो आप यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे आना है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पवई में आना है, ये ओके, तो आपको पता चलेगा अभी कहाँ पे आना है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके पढ़ लेना, इसके बारे में देखना, रिव्यू देखना, कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लगा है, अगर आपको अच्छा लगा है आप खरीदने वाले हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो ठीक है, तो इसी के साथ अभी इस वीडियो को एंड करने का समय आ गया, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और यही कहना चाहूँगा कि इसके आगे और बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं।